अगला सवाल हम जल्दी से स्क्रीन पर रखते हैं दर्शकों के लिए, जो हमने उत्तराखंड के लोगों से पूछा, और वो सवाल ये था कि बीजेपी में सीएम पद का सबसे पसंदीदा चेहरा उनके लिए कौन है। पुष्कर सिंह धामी करीब करीब 75%, अभी कुछ दिन पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन 75% जनता को लगता है कि बीजेपी के अंदर अगर इनके चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाए तो वो उनकी पसंद हो सकते हैं। अनिल बलूनी 17%, त्रिवेंद्र सिंह रावत 3.2%, रावत साहब हमारे साथ पैनल में भी है, वो जवाब देंगे, सतपाल महाराज 3% और अन्य 2%। तो सीधे सीधे धामी साहब जो हैं वो क्लियर लीड लेते नजर आ रहे हैं चेहरे के तौर पर बीजेपी के। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो भी जल्दी से रखते हैं कि कांग्रेस में सीएम पद का सबसे भरोसेमंद चेहरा कौन है, और यहां हरीश रावत 62% के करीब हैं, प्रीतम सिंह करीब 31%, यशपाल आर्य 3% और गणेश गोदियाल। यानी अगर इस डेटा को देखिए नाविका जी, तो ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है वो पुष्कर धामी वर्सेस हरीश रावत हो सकता है, अगर बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियों की बात करें तो। बिल्कुल, और ये जो दो सवाल हैं इसके बाद एक जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा। तो ये चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ 33% लोग कहते हैं हाँ, नहीं 52.5% लोग कहते हैं नहीं, और करीब 14% लोग कहते हैं कि कह नहीं सकते। तो नहीं पहुंचाएगा ये 52% लोग कह रहे हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, 3 मुख्यमंत्री जो बदले गए, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि ये शायद बीजेपी की गलत नीति रही, आप थे उसके बाद बीच में और मुख्यमंत्री का चेहरा आया, फिर 4 महीने बाद एक और, आपको लगता है इसकी वजह से चुनाव पर कोई इम्पैक्ट होगा, नंबर वन? और नंबर दो, 6 महीने रहे पुष्कर सिंह धामी, सबसे पॉपुलर फेस उभर कर आ रहे हैं, आप इससे सहमत है? नहीं, बिल्कुल, पार्टी ने अगर चेहरा बदला है कि बेहतर हो, और पुष्कर सिंह धामी ने बहुत कम समय में तरी करके दिखाई है। हमारे यहाँ कहते हैं धाकड़ बल्लेबाज हैं धामी, तो धामी ने वो करके दिखाया है। का मतलब ये है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया परिवर्तन का, वो बिल्कुल सही लिया है, जनमत ये बता रहा है। जनमत ये बता रहा है, पर आप क्या बता रहे हैं? कोई अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं पीछे करनी पड़ती हैं कभी कभी राजनीति में, ये होता है, होना भी चाहिए। राजनीति केवल हमारी महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं है, राजनीति राज्य के लिए है। ठीक है सर, एक छोटा छोटा रिएक्शन जल्दी से आशुतोष जी और शेखर अय्यर से भी ले लेते हैं। शेखर अय्यर जी, क्या आपको लगता है ये चुनाव उत्तराखंड में पुष्कर धामी वर्सेस हरीश रावत बनने जा रहा है, और बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री बदलने का नुकसान नहीं होगा? देखिये, जो नुकसान पहले होना था उसको किसी तरह बीजेपी के नेतृत्व ने कंटेन कर लिया मुझे लगता है, और अगर कांग्रेस पूरी तरह हरीश रावत के साथ पूरा उनको प्रोजेक्ट करके अगर चुनाव पे जाएगी तो टक्कर काफी टाइट फाइट होगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस हाईकमांड जो है अभी पूरा हरीश रावत को समर्थन दे रहा है, ये बड़ा क्लियर, मतलब अभी तक मगरमच्छ कंट्रोल में आए हैं या नहीं वो अभी पता नहीं है। आशुतोष जी, आपके हिसाब से क्या स्थिति है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नया एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, और अगर पुष्कर सिंह धामी ये साबित कर पाए कि वो उत्तराखंड के लिए शिवराज सिंह चौहान हो पाएंगे तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर होगी आने वाले समय के लिए। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे तो उसके बाद उमा भारती को बनाया गया था, और उसके बाद बाबूलाल गौड़ कुछ समय के लिए बने थे, और अंत में बहुत बहुत कम उम्र में शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया था, और शिवराज सिंह चौहान लगातार 13 साल वहां मुख्यमंत्री बने रहे। तो एक एक्सपेरिमेंट है, गैम्बल है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन जो चीज महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है, 73% लोग उत्तराखंड के मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई ये बड़े मुद्दे हैं। अगर ये बड़े, लेकिन अगर मैं राजनीतिक बात कहूं तो आपने जो बात कही उसका मैं एक इनसाइड खबर आपको दे सकती हूं, और ये बिल्कुल इनसाइड है, क्योंकि इन्होंने पैरेलल किया है शिवराज सिंह चौहान और पुष्कर धामी में। तो अगर मैं दर्शकों को बता सकूं कि
पुष्कर धामी जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान के ही शिष्य की तरह हैं, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, और जल्दी जल्दी आपस में संपर्क करते हैं, और कहीं ना कहीं गाइडेंस शिवराज सिंह चौहान अपने एक्सपीरियंस की देते रहते हैं पुष्कर धामी को। धामी जी इसी बात पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुष्कर धामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस ओपिनियन पोल पर। धामी जी नमस्कार। आज जो ओपिनियन पोल हम लेकर आए उसमें लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में अगर पसंदीदा चेहरा कोई है तो वो आपका है। 75% लोग कह रहे हैं कि पुष्कर धामी बेस्ट सीएम फेस हैं। और अभी हमारे यहाँ आशुतोष जी ने कहा कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है मध्य प्रदेश में चुनाव में एक्सपेरिमेंट हुआ था, पहले उमा भारती, फिर बाबूलाल गौड़ और फिर शिवराज सिंह चौहान, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में भी 3 मुख्यमंत्री बदलने से है। और मैंने बताई थी एक अंदर की खबर जो आज आपसे पूछना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह 2 मुख्यमंत्री के बाद आए थे और फिर उन्होंने जीतने का दौर शुरू किया था, तो क्या पुष्कर धामी भी वही करेंगे, और क्या आप अपने आप को शिवराज सिंह चौहान का शिष्य मानते हैं? आप दोनों में बहुत दोस्ती है सुना है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये शिवराज जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इनका मार्गदर्शन बहुत पहले से आज से कई वर्षों पूर्व से मुझे मिलता रहा है और निश्चित रूप से उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पर जो मुझे 4 जुलाई से मुख्य सेवक के रूप में जो काम करने का अवसर मिला, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने जी भर के मेहनत की है, हर पल और हर क्षण लगाया है, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितनी मेरी क्षमता थी, जो मेरे अंदर जानकारी की जितना ज्ञान था वो सारा का सारा लगाया है। और तभी जनता ने कहा है कि 75% जनता, और हमने काफी लोगों से बात की है, 12-13 हजार लोगों से बात की है, ये सैंपल साइज उतना बड़ा है, सबने मिलकर 75% आपको दिए हैं मार्क्स, तो आपका कहीं ना कहीं काम बोल रहा है। दूसरा सवाल, इससे पहले कि मैं सुशांत को हैंडओवर करूं, दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूं कि मुद्दों में जब हमने लोगों से बात की तो बेरोजगारी 70% लोग समझते हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा महंगाई। ये निश्चित रूप से देखिए हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है, उसको लेकर हमने जो सरकारी पद हैं वो सरकारी पदों में हमने भर्ती की प्रक्रिया पहले दिन से शुरू करी। मैंने 4 जुलाई की अपनी पहली कैबिनेट में सबसे पहले यही फैसला लिया था कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं उन पर सब पर भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, और साथ में जो हमारे यहाँ पर अभी बहुत सारे विभागों में भर्तियां बंद थी उसमें एक पुलिस विभाग भी है, उस पुलिस विभाग में भी हमने 1724 पद निकाले हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि आज ये हुई है, बेरोजगारी क्योंकि शुरू से ही चली आ रही है और सरकारी पद बहुत सीमित मात्रा में है, तो इसके लिए हमारे उत्तराखंड में हमको स्वरोजगार की तरफ जाना पड़ेगा, उसको लेकर हम बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे हमने होम स्टे योजना को बढ़ाया है, हमने मुख्यमंत्री रोजगार योजना लाए हैं, मुख्यमंत्री नैनो योजना लाए हैं, और भी जो तमाम प्रकार के स्वरोजगार के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली हमारी जो योजनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में, हमने सभी को प्रोत्साहन देने के लिए हमने सब में सब्सिडी से लेकर जो भी सरकार सहायता दे सकती है या जो भी उनके लिए कर सकती है वो हमने करने का प्रयास किया है, और आगे चलकर हम इसके लिए स्वरोजगार के रास्ते अपनाकर और जो है नए नए रोजगार के रास्ते अपनाकर उसको हम दूर करेंगे। और हमने उद्योग समूह के लोगों से भी बात की है, उसको लेकर हम बोधिसत्व जो विचारों की श्रृंखला है उसमें भी हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो यहाँ उद्योग प्रयास पूरे किए हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब लोग हमारे ओपिनियन पोल में ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, इसका मतलब वो उतना प्रभाव शायद नहीं छोड़ पाया। अब इसका चुनाव में कितना प्रभाव छूटेगा वो अलग बात है। मेरा प्रश्न आपसे ये सर, जो मेरा प्रश्न है आपसे वो दो हाथ से जुड़ा हुआ है, आपका हाथ क्या सुधार हो रहा है उसमें, और जो कांग्रेस पार्टी वाला हाथ है उसका उसमें भी सुधार हो रहा है राज्य में? मेरे हाथ में तो सुधार हो गया है, काफी सुधार हो गया है, और जल्दी पूरी तरह से सुधार हो जाएगा, और वो काला हाथ है उस काले हाथ को लोग जो है कभी नहीं अपनाएंगे, उनके काले कारनामे हैं, उत्तराखंड की जनता ने उनके काले कारनामे देखे हैं। और इस बात का जो
जो मुकाबला है वो मुकाबला काम वर्सेज काले कारनामे, तो लोग काम को चुनेंगे, विकास को चुनेंगे, और हमने जो हमारा जो भाव है, जो हमारा मन है, जो हम करना चाहते हैं मनसा वाचा कर्मणा से, निश्चित रूप से लोग उस पर अपना आशीर्वाद देंगे। वो आपको टक्कर दे रही है, अगर भाई अगर लोगों में एंटी इनकम्बेंसी का कुछ भाव है और बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है तो किसी को तो विकल्प देखेंगे। कांग्रेस कह रहे हैं आप विकल्प नहीं है, तो क्या आम आदमी पार्टी विकल्प है उत्तराखंड में? नहीं, कोई विकल्प नहीं है, यहाँ एक ही विकल्प है, भाजपा ही जो है अंतिम विकल्प है और कोई विकल्प। लेकिन धामी जी, 21 साल जब से उत्तराखंड बना है तब से कोई भी सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई है, तो इसमें मैं आपसे सवाल सीधा पूछूंगी, क्या बीजेपी की गुटबाजी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर अब कोई गुटबाजी नहीं है, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोग काम पर लगे हैं, सबका आशीर्वाद चुनाव में भी मिलेगा। और जहां तक मोदी, जहां तक जो आप प्रश्न कर रही हैं कि कभी जो है यहाँ सरकार बदलती है, तो यहाँ पर मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में सभी नए इतिहास बने हैं, यहाँ पर भी इस बार नया इतिहास बनने जा रहा है। सर, आपने कहा अब यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, मतलब पहले थी? नहीं, कोई मेरे आने के बाद मुझे तो कभी कोई गुटबाजी नहीं दिखाई दी, हमेशा से सभी का सहयोग मिला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, धामी जी को आशीर्वाद देंगे, कोई मन मुटाव है? मुझे लग रहा है आप जरूर ये गड़बड़ करेंगे। नहीं, मैं क्या गड़बड़ करूंगी, अगर अगर आप पूरी तरह से साथ हैं तो आशीर्वाद दे दीजिए। आप दोनों के बीच में है ना खड़ी। नहीं, धामी जी ने बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा अब कोई मन मुटाव नहीं है, मेरे आने के बाद नहीं है, पहले था, ये स्पष्ट हो गया आज तो। धामी जी, ऐसा नहीं कहा मैंने आपको। धामी छोटा भाई है, भाई को बड़े भाइयों का आशीर्वाद हमेशा है। बहुत बड़ी बात कह दी, तो धामी जी बड़े भाई का आशीर्वाद भी आ गया है, और अब शायद देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति कैसे तय करनी पड़ेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको शुभकामनाएं भी दूंगी जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।